अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सजाद है और आप देख रहे हैं फर्टर चैनल। फर्टर चैनल में आप तमाम नाज़रीन को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रैंक वीडियो को कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग फेम हासिल कर रहे हैं, ये अगर आपको फायदा पहुंचाती है तो किस सूरत में, अगर नुकसान पहुंचाती है तो वो कौन सी सिचुएशन हो सकती है और इसके क्या नुकसान और क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल फर्टर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। और इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, अच्छी लगती है, तो अपने तमाम सोशल मीडिया लिंक्स फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, व्हाट्सएप और अपने दिगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें ताकि जो भी इसे देखे वो इसे फायदा हासिल कर सके। वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि प्रैंक वीडियो कैसे बनाएं। प्रैंक वीडियो बेसिकली बहुत सारे लोग बना रहे हैं पाकिस्तान में और इंडिया में, दिगर ममालिक में भी, तो ये एक नहायत खतरनाक सा काम है। तो वो जो खतरनाक काम करते हैं या जो प्लानिंग के साथ काम करते हैं वो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। तो आप जो देख रहे हैं जितने भी बड़े बड़े प्रैंकस्टर हैं, तो वो जो भी प्रैंक बनाते हैं तो पहले वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो स्क्रिप्टेड होते हैं, टोटली वो वीडियोस स्क्रिप्टेड होती हैं। लेकिन आप हमें दिखाई ऐसा देता है कि जैसे वो अननोन पर्सन के साथ ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। वो मिसाल है कि दूसरे पक्के मकान में बैठ के अपना कच्चा नट आ दो। इस वजह तो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप वाकई ही इसमें दिलचस्पी रखते हैं और यही करना चाहते हैं तो आप बनाएं, जरूर बनाएं, लेकिन इसमें ऐसा स्क्रिप्ट शामिल करें जिससे आपको फायदा भी हो और उसमें कम से कम थोड़ा सा लोगों को भी सीखने को मिले। वीडियो शेयर करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो आप बहुत सारा हम डिस्कस करते हैं कि प्रैंक वीडियो कैसे बनाएं और इसके असूल क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी वीडियो आपने बनानी है तो वो उसे आप एक स्क्रिप्ट लिखें, उसके मुताबिक वो तरतीब के साथ आप वीडियो बनाएं ताकि देखने वाले पर इम्प्रेशन अच्छा पड़े। नंबर टू, जिस एरिया में आप वीडियो बनाना चाहते हैं वहां के मुतल्लिका थाने से आप परमिशन लें। नंबर थ्री, जिस एरिया में, फर्ज किया डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, लाहौर के किसी मखसूस एरिया में आप फिरोजपुर रोड पे आप करना चाहते हैं वीडियो, तो वहाँ का जो मखसूस एरिया है आसपास आप देखें कि वहाँ बिल्डिंग्स कैसी हैं। फर्ज किया बहुत सारे स्टोर्स हैं, फर्नीचर हॉल हैं, शोरूम्स हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों के बिजनेस है, वहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे। आप आसपास के तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को बताएं कि हम ये वीडियो प्रैंक शूट कर रहे हैं, तो इसमें हमने कोई ओरिजिनली कोई हमने फायर नहीं करना इसमें। तो जो साथ आप प्रैंक कर रहे हैं तो उसे उसको भी पता होना चाहिए कि आप उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि बाद दफा ऐसा होता है कि दो चार दोस्त आ रहे हैं, दो चार दोस्त पीछे हैं, उसके आगे उस जाने वाले के पीछे जो दोस्त होते हैं जाहिर सी बात है उसके साथ हैं, तो आप उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं कि उसकी कनपट्टी भी आप पिस्टल या कोई और चीज नकली रख देते हैं, जिसकी वजह से वो डर तो जाता है, आपका एक्शन तो मुकम्मल हो जाता है, लेकिन पीछे आने वाले जो दोस्त हैं मे बी कि वो आपको शूट कर दें या आपको नुकसान पहुंचाएं। ये लाजमी है कि जिसके साथ आप प्रैंक कर रहे हैं उसे लाजमी बताना चाहिए कि मैं आपके साथ प्रैंक कर रहा हूं और ये वीडियो शूट कर रहा हूं। देन उससे ये भी पूछे लाजमी, मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को मैंने यूट्यूब पे अपलोड करना है, क्या आप इजाजत देंगे कि आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाए। अगर वो इजाजत दे या अगर आप उसका चेहरा वो कहे कि ब्लर कर दे या ना दिखाएं तो ऐसा ही करें, क्योंकि ये कानूनी तौर पर भी मना है। और सबसे लास्ट वाली में बात आपको जो कि नहायत ही अहमियत की हमल है कि आप लेडीज के साथ कोई भी प्रैंक ना करें। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप लेडीज के साथ प्रैंक ना करें कि जिसकी वजह से आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। कि बार दफा किसी की आपने सिस्टर की, किसी की वालदा की, किसी के वाइफ की आपने वीडियो शूट कर ली और उसे आपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तो ये कोई गैरतमंद बंदा वो तो नहीं बर्दाश्त करेगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसी हरकतों से बाज रहें, इन तमाम नुकता नजर को देख कर वीडियो बनाए ताकि आपको भी फायदा हो, आप भी हो, अपना काम भी हो जाए, आपका शौक भी पूरा हो जाए और आपकी जान का नुकसान भी ना हो। तो ये छोटा सा मैसेज था आपको बताना। इस मैसेज का मतलब था कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी करें, अपने नॉलेज, अपने पैशन को जरूर उजागर करें, लेकिन एक लिमिट में रहकर और उससे आसान अंदाज से पेश करें ताकि सबका फायदा हो और इसमें नुकसान ना हो। अगर आपको ये वीडियो, ये मेरा मैसेज अच्छा लगता है तो सोशल मीडिया के तमाम लिंक्स पर शेयर कर दें, इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।